इधर पूरी दुनिया कोरोना महामारी से निपटने के लिए परेशान है। उधर चीन ने इस महामारी पर काबू करने के बाद अंतरिक्ष की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। चीन ने मंगलवार को एक नया रॉकेट और प्रोटोटाइप अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया। सरकारी मीडिया ने कहा कि एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन को संचालित करने और चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए यह देश की महत्वाकांक्षी प्रमुख परीक्षा थी। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार प्लान मार्च 5वीं रॉकेट ने दक्षिणी ध्रुव हेनान के वेनचांग प्रक्षेपण स्थल से उड़ान भरी और 8 मिनट बाद एक मानव रहित प्रोटोटाइप स्पेसशिप सफलतापूर्वक अलग हो गया और अपनी नियोजित कक्षा में प्रवेश कर गया। शिन्हुआ ने कहा कि कार्गो रिटर्न कैप्सूल का परीक्षण संस्करण भी रॉकेट से सफलतापूर्वक अलग हो गया। अंतरिक्ष यान एक दिन अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाएगा, जिसे चीन साल 2022 तक पूरा करने की योजना बना रहा है, और अंततः चंद्रमा पर। इसमें चालक दल के 6 लोगों को बैठाने की क्षमता होगी। चीन में स्पेस एजेंसी के प्रतिनिधि ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अंतरिक्ष कैप्सूल को परीक्षण उड़ान को पूरा करने के बाद शुक्रवार को लैंडिंग स्थल पर वापस जाना है। संयुक्त राज्य अमेरिका अब तक एकमात्र देश है जिसने सफलतापूर्वक मानव को चंद्रमा पर भेजा है। मदर हिंदू ने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की कक्षा में उतरने और चंद्रमा के सुदूर हिस्सों तक रोवर भेजने के अपने प्रयासों में भारी प्रगति की है। मार्च में 7वें मॉडल और अप्रैल में 3वें मॉडल की सफलताओं के बाद 54 मीटर लॉन्ग मार्च 5वीं की सफल एकल उड़ान से चीन को आश्वस्त करना चाहिए। बताते चले कि साल 2011 में स्पेस शटल को रिटायर करने के बाद से अमेरिका के पास अपना खुद का स्पेस शिप नहीं है और वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए रूस पर निर्भर